हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि पुराने कॉटन पैंट पे कलर कैसे करें घर पर सबसे आसान तरीका से। तो चलिए चलते हैं, बिना डाई फिक्स यूज किए कलर करेंगे। पैंट को पानी में गीला करेंगे, सबसे पहले दो कलर मिलाकर कलर करेंगे। पैंट को किसी चीज पे रखेंगे पानी गड़ने के लिए, गैस ऑन करेंगे, पतीला रखेंगे, 5 लीटर पानी डालेंगे, लकड़ी का डंडा लेंगे, 50 ग्राम नमक डालेंगे और पानी को 10 मिनट उबालेंगे। दस मिनट हो चुका है, कलर इसमें डालेंगे जो कि मैंने लिया है कदम पक्का रंग। अगर आपको लेना होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। एक पॉकेट कलर डालेंगे और दूसरा भी कलर इसमें डालेंगे। कलर को 10 मिनट उबालेंगे। 10 मिनट हो चुका है, लोकल मार्केट से जो कलर मैंने लिया है वो भी इसमें डालेंगे 2 चम्मच। दोनों कलर मिलाकर कलर करेंगे तो बहुत बढ़िया कलर आएगा इस पे। हाथ में ग्लव्स पहन लेंगे ताकि हाथ पे कलर ना लगे। कलर में पैंट को डालेंगे, इसी तरह से कलर में डालेंगे पैंट को। गैस ऑन रखेंगे और 30 मिनट इसी में रखेंगे पैंट को ताकि कलर एक बराबर इस पे आएगा। पैंट को ऊपर नीचे करेंगे कलर में ताकि कलर एक बराबर इस पे आएगा। डेनिम जैकेट कलर करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पैंट को कलर में इसी तरह से दबेंगे ताकि कलर एक बराबर इस पे आएगा। कॉटन का जैकेट कलर करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शर्ट पे कलर करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से पैंट को ऊपर नीचे करेंगे। डाई फिक्स यूज नहीं करेंगे, मैंने 2 कलर यूज किए हैं इसलिए। ब्लेजर पे कलर करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पैंट को ऊपर नीचे करेंगे इसी तरह से। तीस मिनट हो चुका है, गैस ऑफ करेंगे। पैंट को बाहर निकालेंगे कलर करने के लिए। कलर गड़ चुका है, पैंट को ठंडे पानी में डालकर खंगाड़ लेंगे ताकि जितना भी रंग ऊपरी होगा निकल जाएगा।
सूखने के लिए रस्सी पर डालेंगे। सूखने के बाद देखिएगा पैंट का कलर कितना बढ़िया हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँचेगा।